ओ यार शक्त खड़ा यार, ये कोई परेशान खड़ा यार, पूछते हैं। पैसे यहीं पर कहीं गिरे हैं। मैंने मम्मी की मेडिसिन लेनी थी, मेडिसिन भी जरूरी है और पैसे भी नहीं मिल रहे। काफी देर से ढूंढ रहा हूँ यार, मैं पता नहीं कहाँ गए हैं। मैं बड़ी देर से इधर से ढूंढ रहा था, मिल जाएंगे यार। ये कहीं मुझसे पैसे ना मांग ले यार, पैसे देगा भी नहीं यार, ये कंटी करा के निकल जाता हूँ। कोई नहीं, खैर है यार, मैं ना थोड़ी जल्दी नहीं होगा ना, आपकी हेल्प करवाता है इसे ढूंढने में। अच्छा यार, फिर मिलते हैं यार, कोई मसला नहीं यार। वो मुबशर भाई खड़े हैं यार, इनसे सलाम दुआ करते हैं यार। चलो मुबशर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं यार? बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मस्त लग रहे हैं यार। यार बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, मस्त ही लगना और क्या। बड़े शशके हैं यार, नई घड़ी, नया मोबाइल। हाँ यार, बस जी शौक की घड़ी लिया, 2 लाख की आई है, लेकिन मैंने कहा चले यार ले लेते हैं, सस्ती है लेकिन चर्ची है यार भाई की। जी आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे इधर बैठे हो यार? यार असल में नई गाड़ी बुक करवा रहा था, तो पैसे सेंड किए हैं मैंने। ओ, तो उसमें 5 लाख मुझे काम हो गए, क्योंकि अकाउंट में मेरी लिमिट खत्म हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और वो बुक लाजमी करवानी है, मैं सोच रहा हूँ किससे कहूँ, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट्स के लिमिट है ना यार। 5 लाख की बात तो है यार, आप मेरी मदद करेंगे? मैं करूंगा यार। यार सो नाइस काइंड ऑफ यू यार, मैं करूंगा ना मदद आपकी। चलो ठीक है, आप सेंड करें, करता हूँ यार। अभी लुटा भी देगा, वो मांग रहा था, उसने देने भी नहीं थे पैसे। ये हो गए सेंड, आप देके रिसीव हो गए। जी जी बिल्कुल यार, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदद की। इंशाल्लाह भाई को याद रखना, दोस्त के काम आते हैं। जी जी बिल्कुल, मुझे अगर मेरी जरूरत हो तो कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, पैसे कब दे रहे हो मेरे? जी भाई बस दे दूंगा यार, कुछ दिन तक दे दूंगा। 5 लाख रुपए जमा कराओ यार, जैसे होते मैं दे दूंगा यार। मुझे ना दे तो अपनी मौत समझना भाई। दे दूंगा यार, यार किससे मांगू यार? यार मैंने मुबशर भाई को दिए थे 5 लाख, उनके काम आया थे यार, वो मेरे काम आएंगे, उनके पास चलता हूँ यार। हाँ वो जो बैरियर टाउन में जो प्लॉट है ना, वो 2 किनार का, वो आप बुक कर लें। हाँ बस पैसे भाई, हाँ वो आप बुक करें, ठीक है। ओके मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, आई विल कॉल यू बैक। ओके ओके मैं ठीक हूँ, सुने जी? मैं भी ठीक यार, मुझे यार कुछ पैसे ज़रूरत है यार। पैसे ज़रूरत? कितने पैसे ज़रूरत? मैंने आपको दिए नहीं थे यार वो 5 लाख, अगर हो जाते तो। 5 लाख आपको चाहिए? कब दिए थे आप यार? उस दिन मैंने दिए थे जब आपने वो गाड़ी लेनी थी, 5 लाख आपका रहता था पेमेंट, शॉर्ट में अकाउंट में सेंड किए थे यार। सही है, लेकिन यार अभी मेरे पास नहीं है, जब होंगे तो फिर हो जाते। मैंने देने थे यार, बड़ा परेशान था यार पैसे देने थे यार। आपने दे दिए ना, अब आप एहसान जिता रहे हैं। नहीं एहसान नहीं जिता रहे यार, मैंने देने हैं यार। यार आपने देने हैं, वो आपका मसला, मेरा नहीं। आपने मुझे अपनी मर्जी से दिए, मैंने आपसे मांगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है यार, ठीक है, अब जाए, मेरा टाइम ना जाया करें। मैं बस ठीक है जी जी भाई जान, हाँ बस ठीक है यार भाई। कैसे यार ये जाहिर भाई क्यों परेशान है, इससे मिलते हैं, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, क्या हाल है? ठीक हैं? आप सुनाओ, क्या हुआ है? बहुत परेशान है आप। बस यार वो पैसे देने थे यार किसी को। किसके पैसे देने थे आपने? थे यार 5 लाख रुपए देने। 5 लाख रुपए, खैरियत क्या हुआ, क्या करना है पैसे 5 लाख रुपए? मैंने ना कर्जा लिया था 5 लाख, वो मैं दे बैठा हूँ मुबशर भाई को, उन्हें ज़रूरत थी उस टाइम, अब मुझे ज़रूरत है यार, मैं उनसे लेने गया, उन्होंने दिए नहीं यार। अच्छा यार आप परेशान ना हो, मेरी ना वैसे आज ही मेरी अभी कमेटी निकली है। अच्छा। तो मैं कमेटी लेके आ रहा था 5 लाख की, तो वैसे तो मैंने सोचा था बिजनेस करूंगा, लेकिन आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, दोस्त से बेहतर कुछ हो सकता है, तो मैं इंशाल्लाह आपको 5 लाख देता हूं। यार आप नहीं नहीं आप अपना कर्जा पे कर लेना यार, वो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं बिजनेस। आप परेशान ना हो, अल्लाह का पाक करो यार। एक मुबशर भाई जिनके मैं बुरे वक्त में काम आया, 5 लाख मैंने दिया, वो भी कर्ज जो लिया हुआ था, उन्होंने मेरी मदद करने से इनकार किया, एंड पे सलाम तक नहीं लिया, और एक ये है जिसकी मैंने मदद नहीं की थी, मुझे अपना 5 लाख दे गया। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि हमें पैसों का अमीर दोस्त नहीं बल्कि दिल का अमीर दोस्त बनना चाहिए, और हमेशा अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, और ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि वो अमीर है या गरीब।
और हमेशा इंतखाब जो है वो मुखलिस दोस्त का करना चाहिए, क्योंकि जब आप कभी मुसीबत में होते हैं तो हमेशा मुखलिस दोस्त ही आपके काम आते हैं, ना कि अमीर दोस्त। और कभी भी लालच की बुनियाद पर अपने दोस्तों की मदद या उनके मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी इसका शऊर और आ सके और वह भी दोस्तों का इंतखाब अच्छी तरह कर सकें। शुक्रिया। We'll be right back.